अजय माता रानी की कृपा से जो आज ये मुकाम हासिल हुआ कि एसएससी के एक लंबा पीरियड 2019 पे वैकेंसी आती है, 2019 सितंबर नवंबर तक चल रहा था कुछ, उस समय से आती है, पेपर होते हैं, प्री होता है, फिर उसके बाद मेंस का भी नंबर आता है, डिस्क्रिप्टिव वगैरह सारी एग्जाम होते होते फिर बाद में एक केस आता है कोर्ट केस का। कोर्ट केस में पहली बार किसी को कोर्ट केस के इतने करीब से देखा था, तारीख तारीख वो जो डायलॉग होता है तारीख तो तारीख, वो खुद के जब देखा तो पता चला कि कितना मुश्किल होता है। आज तारीख मिल रही है, सुनवाई नहीं कुछ, अगले दिन फिर तारीख, दो महीने बाद की तारीख, फिर वापस हफ्ते भर की तारीख। तो खैर सबसे ये भी एक टाइम पीरियड होता है, इसमें भी एक अपना एक अलग ही मजा होता है। तो वो सब पूरा होते हुए खैर फाइनली 8 तारीख को शाम दोपहर में 2 बजे एक नोटिफिकेशन आती है जिसने करीब 8-9 हजार लोगों की जिंदगियों को एक पल में इधर से उधर कर दिया होता है, बदल दिया होता है। तो वो खुशी एक अलग खुशी होती है। तो उसके लिए पूरा जो शुरुआत शुरू से शामिल हुआ 2016 से चार ही चीजें होती थी। जीएसटी हमारा पुराना रिश्ता था ही नहीं, कभी 10-20 नंबर आ जाते तो लगता था बहुत अच्छे नंबर आ गए, बाकी मैथ तो कुछ कह सकते हैं प्रैक्टिस से या थोड़ी बहुत शॉर्ट क्विकेट भी सही थी इंग्लिश के लिए। 2016 में जब ये उधरा पढ़ाते थे छोटी कलावा बैंक के पास बगल वाली कोचिंग में, तो 1 जून 2016 पहले दिन जब वो वहाँ पे आए थे 1 जून 2016 को ऐसे ही आ गए थे। एक लड़का आया मिलता था विजय नाम था उसका, विजय पाल एयरफोर्स में नेवी में हुआ था, उसके साथ भी रहता था, दोस्त के साथ आए थे पहले दिन ऐसे ही। फिर धीरे धीरे 2-3 टॉपिक बाद से शुरू हुआ था हमारा, फिर 1 जून 2016 से लगातार मैच को पढ़ा, फिर आपने 2 बैचों को 1 नंबर से कर दिया था 7 बजे और 8 बजे। 7 बजे को प्रैक्टिस बना दिया था, 8 बजे वाले में नाउ वर्ब और प्रीपोजिशन बच रहे थे तो उसमें अरेंज किया था, तो वर्ब प्रीपोजिशन रह गए थे। मतलब ये है कि 1 जून 2016 से जब से भैया के यहाँ आए इंग्लिश, हमें नहीं लगता कि हमें कहीं से भी ऑनलाइन या ऑफलाइन और भी कोई अच्छी पढ़ी है इंग्लिश के लिए। केवल भैया के यहाँ से पूरा बेसिक पढ़ा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस में तो 7 बजे वाला बैच तो घर ही जैसा हुआ करता था। उस वाली कोचिंग में जो गली में चलती थी कि अगर सुबह 7 बजे बैच नहीं आते थे तो उसमें दिन भर कुछ ना कुछ खाली खाली लगा करता था। इसमें तो मान लो कुछ लोग पुराने वाले हैं जैसे ज्ञानेंद्र सांग, ये सब लोग जाते हैं, दो बैच दो